आईपीएल में फिक्सिंग की जांच कर रही पुलिस की जांच के तार धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। अब दुबई तक फिक्सिंग की रकम पहुंचाने वाले आमिर नाम के एक और शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। जांच टीम आमिर और उसके नेटवर्क से जुड़े दूसरे बुकीज के खाते खंगालने में जुट गई है। फिक्सिंग विवाद में सामने आया सच, खिलाड़ियों से कैसे जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन कर रहा था डी कंपनी के लिए काम, कैसे होती थी फिक्सिंग के लिए पैसों की डील। आईपीएल मामले में स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने देर से ही सही लेकिन ये मान लिया है कि इस गोरख धंधे में शामिल बुकीज के तार टी कंपनी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस की अब तक की पड़ताल के दौरान एक नाम सामने आया है जो सीधे तौर पर दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड के लोगों और बुकीज के बीच के तार को जोड़ने का काम कर रहा था। इस शख्स का नाम है आमिर। पुलिस के मुताबिक आमिर अंडरवर्ल्ड के लिए बुकीज से पैसा लेकर अपने आकाओं को दुबई भेजता है। आमिर का ईमेल पुलिस को पकड़े गए बुकी अश्विनी पटेल से पता चला है। अश्विनी पटेल ने पुलिस को बताया कि आमिर सट्टे के कारोबार में होने वाली कमाई का 50% दुबई में बैठे सुनील दुबई को भेजता है। ये पैसे आमिर के ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल करके भेजे जाते थे। ये अकाउंट मास्टर अकाउंट है। पुलिस के मुताबिक इस ईमेल को क्रैक करते ही पूरा मनी ट्रेल साफ हो जाएगा। आमिर को अंडरवर्ल्ड का प्रोटेक्शन भी हासिल है। पकड़े गए बाकी दो बुकीज सुनील भाटिया और चंद्रेश पटेल ने भी आमिर के जरिए डी कंपनी के लिंक होने की तस्दीक की। पुलिस जैसे जैसे फिक्सिंग के इस खेल की तह तक जाने की कोशिश कर रही है वैसे वैसे कई और खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आमिर ही वो अहम कड़ी है जिसके पकड़े जाने के बाद दुबई लिंक और बाकी चेहरे बेनकाब हो पाएंगे। हैदराबाद एयरपोर्ट से पकड़े गए बुकी याहिया से पड़ताल के बाद पुलिस फिक्सिंग विवाद में शामिल बाकी खिलाड़ियों तक भी आसानी से पहुंच पाएगी जिनके नाम अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। वहीं रिमांड पर चल रहे श्रीशांत के फोन रिकॉर्ड्स में उसकी बातचीत में अभिषेक शुक्ला नाम सामने आया है। श्रीशांत के गिरफ्तार होने के बाद अभिषेक ने ही कथित तौर पर श्रीशांत के रूम को साफ कराया और सबूत गायब किए। ये भी पता चला है कि इनके लिए ऑर्गेनाइज होने वाली पार्टी में अभिषेक ने ही पेमेंट की थी। पुलिस को अभिषेक शुक्ला का पैन कार्ड नंबर मिला है लेकिन पैन कार्ड में उसका पता गलत है। श्रीशांत के लिए की जाने वाली बड़ी ट्रांजैक्शंस में शुक्ला के ही पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं इस मामले में गिरफ्तार दूसरे खिलाड़ी अजीत चंदेला के खाते से पता चलता है कि उसके खाते से 9,99,999 रुपयों की कई बार ट्रांजैक्शंस की गई हैं। कुल मिलाकर 70 लाख के ट्रांजैक्शंस का खुलासा हुआ है। अब तक 20 लाख रुपए बरामद हो पाए हैं। ये पैसा कहां से आया इसकी जांच अभी जारी है। इन तमाम खुलासों के बीच पुलिस अब दो अहम कड़ियों की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है। वो नाम है डी कंपनी के लिए बुकीज का लिंक करवाने वाला आमिर और खिलाड़ियों के लिए बेहिसाब खर्च करने वाला अभिषेक शुक्ला। इनके पकड़े जाने के बाद न सिर्फ फिक्सिंग के गोरख धंधे में शामिल काफी बड़े नाम उजागर हो जाएंगे बल्कि किसके इशारे पर खिलाड़ियों पर पैसे खर्च किए गए और वो पैसे कहां से आ रहे थे ये सच भी सामने आ जाएगा। इस समय दिल्ली से प्रीति पांडे।